स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम इंट अकेडमी पर। बात करेंगे एसएससी सीपीओ के कट ऑफ को लेके और सेफ स्कोर क्या कुछ रहेगा, सब कुछ बात करेंगे। इसके पहले मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, गूगल फॉर्म का पूरा एनालिटिक्स आ गया है, क्या कुछ रहा है मैं आपको डिटेल वन बाई वन करके बताऊंगा। पूरे स्लाइड मैंने बना लिया है, उसके लिए सबसे पहला स्लाइड में आपको बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स जो रिसीव हुए हैं मुझे। यहाँ पर देख सकते हैं 110, यहाँ पे 110 जनरल कैटेगरी में रिस्पांस मुझे मिला है। जनरल के लिए यहाँ पे बात हो रही है, आप एरो के हिसाब से भी समझ सकते हैं। 100 रिस्पांस मिला है ओबीसी में मुझे, यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 80 रिस्पांस मिल पाया है मुझे, यहाँ पे देख सकते हैं, और एससी में 20 रिस्पांस मिले हैं और एसटी में मुझे 10 रिस्पांस मिले हैं। टोटल ये रिस्पांस मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके हिसाब से डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, पूरा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, बात करते हैं जनरल में क्या कुछ कितने रिस्पांस मिले हैं मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम सबसे पहले मैं आपको वो रिस्पॉन्स दिखाने, पहले ये दिखाऊंगा गूगल फॉर्म में मैंने एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा। जैसे मैंने ये नहीं पूछा था कि आपके कितने हैं, 100 नंबर हैं कि 110 हैं या कितना, आप आंसर टाइप में नहीं पूछा था, मैंने क्वेश्चन बना के पूछ दिया था कि 100 से 120 के बीच में कितना है आपका, 120 से 130 आपका है, 130 से 140 है, इस तरह से मैंने बताया था। एग्जैक्ट डेटा मैंने नहीं पूछा था, तो ठीक है। तो उसके हिसाब से जो मैं मुझे देखने में लगा नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी में 110 प्लस रिस्पांस मुझे जो मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं 110 प्लस रिस्पांस जो मिला है, 90% लोग ऐसे रहे हैं जो 110 प्लस अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट का रहा है, जो ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये अटेम्प्ट का रिस्पांस है, ठीक है। और 130 प्लस जो है रिस्पांस मिला है मुझे अटेम्प्ट का, 40 से 45% लोग यहाँ पे जो थे ये 130 प्लस अटेम्प्ट की रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। 110 प्लस जो स्कोर आया है यहाँ पे देख सकते हैं, 110 प्लस जो कितने लोग हैं, 100% लोग हैं। 100% से क्या समझते हैं, 110 अगर लोग पूरा इसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो 110 लोग, जो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इतना डेटा मुझे एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाया। समझने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे अगर मैंने 100 लिख दिया होता है, 110 यहाँ पे 100 लिख दिया होता है, 101 लिखा हो, 102, तो ऐसे रिस्पॉन्स थोड़ा सा मिल जाता कि एग्जैक्ट डेटा क्या होता है। तो एग्जैक्ट डेटा मुझे ना मिलने का मेन रीज़न जो है यहाँ पे ये रहा है कि 110 प्लस जो है स्कोर, क्योंकि मैंने 100 से 120 के बीच में रखा था रिस्पांस करने के लिए, तो 110 प्लस रिस्पांस 100% मिला है मुझे, ठीक है। उसके बाद बात कर लें 130 प्लस रिस्पांस कितने लोगों का रहा है, तो 45 से 50% लोगों का यहाँ पे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का डेटा तो और चौंकाने वाला है। इसमें जो है 110 प्लस जो अटेम्प्ट किए हैं, जो मुझे रिस्पांस प्राप्त हुए, 100% लोग जो है, यानी 80 में 80 लोग जो हैं 110 प्लस अटेम्प्ट किए हैं जो मुझे रिस्पांस दिए हैं, और 130 प्लस जो अटेम्प्ट मिला है मुझे, जो 60 से 70% लोग ऐसे थे जो 130 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और जो मुझे रिस्पांस किए हैं, तो ये मुझे मेरे पास डाटा है। और उसके बाद बात कर लें एससी कैटेगरी के, तो 100 प्लस अटेम्प्ट करने वाले लोग जो थे 100% थे मुझे, जो मेरे सर्वे में आए हैं, और 120 प्लस अटेम्प्ट करने वाले 30 से 40% लोग हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, 100% स्कोर करने वाले कितने लोग थे, तो 100% यानी 10 लोग मुझे, काफ़ी बहुत कम ही रिस्पॉन्स मिला है एसटी कैटेगरी से, तो 10 लोग ही मुझे रिस्पॉन्स दे पाए हैं, और 10 लोग में 100% 100 से ऊपर ही अटेम्प्ट किए हैं। तो ये रहा पूरा डेटा जो मुझे प्राप्त हुआ है गूगल फॉर्म के हिसाब से। मैंने एक गलती कर दी थी कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए था, यहाँ पे आंसर टाइप में दे देते, आप खुद टाइप कर देते तो मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल पाता। तो ये थोड़ा सा, ये जो 100% आ रहा है उसको थोड़ा सा कम डेटा मिल पाता, एग्जैक्ट डेटा मिल पाता। तो अब बात करते हैं कि अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं क्या कुछ रहा है अटेम्प्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ एनालिसिस क्या है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, मैं पूरा डेटा को एनालिसिस करूंगा। ये तो अभी कुछ ये डेटा का ओवरव्यू है, जैसे ऊपर से ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये अभी एग्जैक्ट कट ऑफ निर्धारित करने के लिए थोड़ा सा और मुझे डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर मुझे कट ऑफ बताने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि क्या कुछ डेटा रहा। एक और चीज़ है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे दो चीज़ आपको मिलने वाली है, एक चीज़ जो है इसका कट ऑफ एनालिसिस जो मैं आपको गूगल फॉर्म के हिसाब से दूंगा वो, और एक आरटीआई रिप्लाई मैंने फाइल किया है उसका भी रिस्पांस, जैसे ही आ जाए जिसका रिप्लाई आता है तो मैं इसी चैनल पर पोस्ट करूंगा। तो आपको जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना होगा, यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग को भी ये वीडियो रिकमेंड हो यूट्यूब
यूट्यूब की तरफ से। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको इतना का टारगेट है जरूर जरूर पूरा कर दीजिएगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू जुड़े रहने के लिए।